आइए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमें कहा गया है AB 24 है, AB को 24 लिख लो, और BC ये हमारा BC है 7 सेंटीमीटर है, और हमसे कहा जा रहा है साइन ए कॉस ए टाइन। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे क्वेश्चन देके बताना, इसमें दो साइड दे रखी है, तो आप इन दोनों साइड्स को लेकर के इसमें थर्ड साइड निकाल। थर्ड साइड जैसे कि यहां पर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, PGT अप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं PGT कहते हैं H² = P² + B² H हाइपोटेन्यूस नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें पता है। हम कैसे पता करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है? नॉर्मली आप यहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्व यहीं से करते हैं, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर 7, बेस 24, इनका स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप स्क्वायर की वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो आपके आपको याद हो जाएंगे टिप्स पर। 7 का 49, 24 का 576, स्क्वायर करते हैं 625, क्योंकि इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर बन जाएगा, रूट बन जाएगा 25, H = 25 आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया। अब आपका जो हाइपोटेन्यूस आया है और आपको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, आपको दोनों ये फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। तो ये जो दोनों फाइंड करने हैं आपको, अब अपना वो तरीका याद करना पड़ेगा जो बताया था, क्या सोना चांदी तोलो और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन के लिए आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, यानी आप क्या लगा देंगे परपेंडिकुलर ए, यानी आपको यहां से ऑब्जर्व करना है, आप यहां खड़े हैं, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो आपका जैसा क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर कॉस में आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो आप क्या लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली आप ऐसा ही आगे करेंगे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपका जो कंफ्यूजन, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होता है, समझ नहीं पा रहे कैसे करें, उसके लिए आप साइन ए लिख लो, कॉस से लिख लो, साइन से लिख लो। इसमें भी नो डाउट ये लिखा जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस सी में भी यही लिखा जाएगा, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ए में आपको यहां पर खड़ा होना है और ऐसे देखना है, तो जब आप ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, हमेशा याद रखिएगा। ए की पोजीशन पे आकर के आप देखेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर हो चुका है CB और बेस क्या होगा AB। कॉस की बात करें, बेस नहीं, ये हाइपोटेन्यूस लिखना है जो कि होगा AC। कॉस की बात करते हैं, कॉस में बेस ये होगा, क्योंकि आप फिर से वही, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा बेस ये होता है, मेरा बेस जिस पर मैं आधार पे खड़ा होता हूं, बेस में मैं खड़ा होता हूं, तो बेस ये हो गया, बेस हो जाएगा 24 से पहला उसको साइड लिख दो, कौन सी साइड ट्राइंगल की, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाइपोटेन्यूस सेम, हाइपोटेन्यूस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप साइन सी की बात करते हैं तो सी के लिए आपको यहां खड़ा होना पड़ेगा, आप यहां से देखेंगे ऊपर से जाकर के ऐसे देखेंगे, तो जब ऐसे देखते हैं तो ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, मैं ऐसे देखूंगा, मींस आपको इसको ट्रायंगल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आप खड़े होते हैं तो बेस ऐसा होता है, तो सी बी और ए, तो ये जो ए बी होगा जब मैं यहां से देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा 24, और सी बी जो है ये 7, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। अगर आपको ज्यादा भी दिक्कत है तो इस तरीके से जो पॉइंट आपको चाहिए वो आप मान लो कि वो पोजीशन है आपकी, तो बेस बना दो, ये आपका बेस बन जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी ही रहता है। कॉस सी के लिए फिर से बेस रखना है हमें 7, 7 से पहले साइड का नाम लिख दो सी बी
और हाइपोटेन्यूस AC। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, CV की वैल्यू है 7 और ये हाइपोटेन्यूस 25। कॉस A कितना है, कॉस A है आपका AB 24 अपॉन में 25, ये भी 24 अपॉन में 25 और CB 7 अपॉन में 25। इस तरीके से मैंने आपको ये क्लियर किया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं तो मेरे लिए सामने वाला पॉइंट होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपने 8.1 एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है tan t माइनस cot r फाइंड करना है हमें, और हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ, इस ट्राइंगल को देख करके tan p और cot r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन आता है 8.1 का, सबसे पहले आप तीनों साइड के पीछे जाओ, दो साइड दे रखी है तो वन साइड जो भी आपको फाइंड करनी है उसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय PGT। तो हमारे पास फॉर्मूला एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है, बेस हमें नहीं दे रखा है इसको क्यू आर लिख देंगे हम, हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, QR का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 169 माइनस 144 QR का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो QR आ जाता है 5, QR 5 आ चुका है, यहाँ लिख देंगे आप 5। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है tan p, तो मुझे p से ऑब्जर्व करना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मैं उसको लिखता हूं दोबारा से, परपेंडिकुलर बेस चाहिए मुझे, मेरे लिए परपेंडिकुलर p के लिए जो परपेंडिकुलर है वो qr होगा और बेस pq, इसकी वैल्यू लगाते हैं तो 5 अपॉन में 12, ये 10 आ गया। अब मैं cot r फाइंड करूंगा, cot r जो है वो उसका रिवर्स होता है 10 का रिवर्स, ये p अपॉन b है तो cot जो होता है वो b अपॉन p होता है, यानी कि r का बेस, क्योंकि मैं अब इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस यानी कि QR परपेंडिकुलर यानी कि PQ 5/12। सो इन दिस वे हमने tan P की वैल्यू फाइंड कर ली, cot R की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों को पुट कर देते हैं इसमें, 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें मुझे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ में एक फिक्स नंबर लेता हूं, लेट के बी अ रियल नंबर। तो ये क्या होगा, इससे क्या होता है कि इसके साथ एक रेशो जो है, ये 3/4 जो है ये रेशो है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, रेशो। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इसके साथ k लेता हूं, तो साइन a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 3k बाय 4k, और साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जो कि है मेरा a के लिए, मैं a पे खड़ा हो जाता हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, cb और हाइपोटेन्यूस ca, दैट मींस कि इसको जब मैं इसके इक्वल रखूंगा 3k 4k, तो CB हो गया है 3k और CA हो गया है 4k, मींस मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे हाइपोटेन्यूस पता है, क्या नहीं पता, बेस नहीं पता मुझे,
बेस निकालने के लिए आप फिर से वही थ्योरम लिख देंगे, एन ट्राइंगल एबीसी बाय पीजीटी, तो पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है पीजीटी, पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच है मेरे पास सी ए जिसकी डायरेक्ट वैल्यू ही लगा देता हूं मैं, जो कि होगी 4k परपेंडिकुलर 3k, बेस हमें नहीं पता है, बेस को मैं ए भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, k का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसके लिए पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर करना है 9k स्क्वायर, तो k का स्क्वायर है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, k तो आ जाएगा बाहर, लेकिन रूट 7 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो रूट 7 के ये ए बी आ गया, तो मैं इसको यहां लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ए बी इज इक्वल टू रूट 7 के, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है रूट 7 के, और सी बी कितना था, सी बी था 3 के, और सी ए कितना था 4 के, 4 के, अब मैं वैल्यू जो उसने मुझे कहा है कॉस ए वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, cos a फाइंड करना है और tan a फाइंड करना है, तो मैं अगेन जिस पॉइंट को फाइंड करना है तो मैं उसी के सामने खड़ा हो जाता हूं और देखूंगा, तो cos के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, सिंपल, cos क्या कहता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज कहता है, cos बेस अपन हाइपोटेन्यूज, tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपन बेस कहता है tan, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो मेरे पास बेस है रूट 7 के, हाइपोटेन्यूज है 4 के, कैंसिल, रूट 7/4, परपेंडिकुलर 3 के, बेस रूट 7 के, तो के से के कैंसिल, 3/√7, रूट की जो नंबर होता है वो कभी अपॉन में नहीं आता, रेशनल नंबर कहते हैं, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, तो 3√7/7, इस तरीके से आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15 cot A is equal to 8 है, फाइंड साइन ए और sec ए, फाइंड साइन ए sec ए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो जाएगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, cot A इज इक्वल टू 8/15, cot A जो होता है वो 8/15 लिख दिया, उसके बाद जैसे जैसे ये किया है आपने सेम वैसे वैसे ये हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 5 8.1, इसमें कहा जाता है कि sec थीटा जो है वो 13/12 दिया हुआ है और हमको ऑल अदर ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसके साथ k लिख लेंगे, ये क्या है, k इज एनी रियल नंबर, तो sec थीटा की जो प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये कहां पर आता है, तो आप बताएंगे कि cos जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उसका थीटा हाइपोटेन्यूज 13k और बेस 12k, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां से हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, हम लगा देंगे एन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास ये 13 के गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, उसे मैं ए बी लिख लेता हूँ, और बेस 12 के, 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर हो जाएगा, 12 का 144 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो ये लेस कर दिया जाएगा, 25 के स्क्वायर आया, ए बी की वैल्यू यहाँ से अब इसका रूट आ जाएगा, तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट में 25 के स्क्वायर, दैट मीन्स 5 के, क्योंकि अंडर रूट 25 5 होता है, के स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या है, तो ए बी आ गया 5 के। अब आप साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे तो परपेंडिकुलर कौन बेस नहीं याद आ रहा तो ये लिख लो एस सी टी, और इसके नीचे पंडित वर्दी प्रसाद हर हर बोले, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सेक हमें गिवन ही था 13/12 ये हमें गिवन था, कॉसेक कॉसेक साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट ये 10 का उल्टा हो जाएगा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू लगा दो, साइन क्योंकि अब हमने ये फाइंड कर लिया ये आया था 5k, तो परपेंडिकुलर 5k अपॉन में हाइपोटेन्यूस 13k कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया, आपका जो आंसर है 5/13। ऐसे ही इसमें बेस हमें दे रखा है 12k, हाइपोटेन्यूस 13k, तो 12/13 tan थीटा परपेंडिकुलर है, tan की वैल्यू 5/12 हो जाए, यानी थीटा 5k 12k 5/12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13k और परपेंडिकुलर 5k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/5 cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12k अपॉन में 5k कैंसिल हो जाएगा 12/5। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि cos a इक्वल टू cos b हमें गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें, और हमसे कहा गया है एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो आप क्या करोगे ट्राइंगल बनाओगे, एक ही ट्राइंगल बनाओगे क्योंकि इसमें कोई क्लियर नहीं है, इसको दो ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, एक ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, अगर आपने एक एंगल को 90 बना दिया जैसे कि इसमें कहा है एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो सी जो होगा वो 90 का हो गया, तो सी 90 का है यानी बाकी दोनों का सम 90 आ सकता है, दोनों एक्यूट एंगल है, तो हमने इसको लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos a इज इक्वल टू cos b, ये गिवन है, cos a इज इक्वल टू cos b ये हमारे पास गिवन है, अगर मैं यहां पर cos a लिखता हूं तो cos a जो होगा a के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, मैं यहां पर खड़े होकर देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इसका फॉर्मूला है, तो बेस अपॉन बेस इसका होगा ac और हाइपोटेन्यूस होगा इसका ए बी। सिमिलरली कॉस बी के लिए करूंगा, कॉस बी के लिए भी बेस अपन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा, बेस होगा सी बी, तो सी बी मेरा बेस और हाइपोटेन्यूस ए बी, ये कॉस बी है ये कॉस ए है। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन बना दिया हमने, तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड,
क्योंकि ये साइड्स हैं, साइड्स का रेशो है, तो यहाँ पर के लिखना जरूरी रहता है, तो आप इसके साथ में के भी लिख दीजिए। कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया है के एक रियल नंबर है, ये रेशो के साथ लगाया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी अपॉन में ए बी के सी बी अपॉन में ए बी, इसके साथ भी के से के कैंसिल हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी बचा, सी बी अपॉन ए बी बचा, ये भी साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगी, एक ही ट्राइंगल की साइड है, क्या मिला ए सी इक्वल सी बी, ए सी और सी बी ये दोनों साइड बराबर हो गई। अगर ये दोनों बराबर हैं दैट मीन्स ए बी सी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल। जब आइसोसेलस ट्राइंगल होता है दो साइड इक्वल होते हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ए सी के सामने बी है एंगल बी, सी बी के सामने ए है इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। इसके बाद